Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone, and welcome to Behind the Curtain, a Take Two edition. With people who've been following the show and watching it, ये बहुत ही niche show है for all the technical gurus of our industry. On that note, without wasting much time, very, very refined individual and one of the founders, I would say, of the film industry is with me. He's been a very, very eccentric role in pushing the cinema distribution. Mr. Nadeem Mandviwala, अगर आपने निशात सिनेमा का नाम सुना है तो there is no way that you might not know what Nishan is about. Of course, it was a great loss for the Pakistani cinema industry. Then we have the Atrium and Centaurs as well. And Nadeem Saab has always also been part of bringing blockbusters to Pakistan, which namely do Titanic, Terminator, and also the very, very popular Mughal-e-Azam. And अभी जो है क्या स्टेट है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की वो सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री की, but then again I thought it was my duty as a young filmmaker and also an enthusiast to get in touch with him and speak to him. Nadeem Saab, thank you so much for being part of the show. I hope you're doing well. Thank you very much, Rafi. And Nadeem Saab, first of all, thank you. You gave time for this small little thing. एक तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो यंग फिल्म मेकर्स एंथुजियास्ट हैं वो ज़रूर सिनेमा जाते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि इसके पीछे कौन बेंचमार्क किसका है, आइडिया किसका है, बेंचाइल किसका है. सो दिस एक्ट्स एज अ लिटिल बिट ऑफ अ लाइब्रेरी रिसोर्स फॉर एवरीवन वाचिंग एज वेल एंड ऑल्सो द फिल्म फ्रेटर्निटी. फर्स्ट ऑफ ऑल नदीम साहब, एक तो यू नो यू हैव सीन प्रीटी मच एवरीथिंग. You know how it was before, how it how it was in the middle, how it is right now. You've given so much to the cinema industry. ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ दिया है जहाँ पे लोगों ने आपको return किया है favor in the sense of watching a film, and I'm talking about the spectators and the viewers who come to watch the film. उन्होंने तो appreciate भी किया. क्या आपको हमारी film या cinema industry ने कुछ दिया है in return? आज तक जो भी मिला है वो फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री की वजह से मिला. अच्छा. और ये नहीं है कि कम मिला है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मिला है. और अल्लाह ने हर मौका दिया है कि हर चीज़ का पार्ट भी बनो, उसको अपने साथ आपके होते हुए वो करो भी. और जो पूरा वो एक वक्त था कि आपकी इंडस्ट्री जब 80s में हमने शुरू किया काम तो उस वक्त चल भी रही थी और बहुत अच्छी चल रही थी. फिर उसके बाद डाउनफॉल भी देखा, उसके लिए लड़े भी, और लड़ने के बाद वो ख़त्म होते हुए भी देखा उसको, और फिर उसको दोबारा रीबिल्ड होते हुए भी देखा. तो अल्लाह ने तो सारे प्रोसेसेस के अंदर आपको इन्वॉल्व रखा है, तो इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं अल्लाह से या इस फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने तो अपना रोल प्ले किया, लेकिन जब आप इंडस्ट्री कहते हैं तो इंडस्ट्री एक मैकेनिज्म होता है विच कम्स फ्रॉम अ बंच ऑफ पीपल यूनिफाइंग टुगेदर. तो व्हाट आई मेंट टू आस्क वाज कि क्या इंडस्ट्री का सपोर्ट हमेशा रहा है क्या, और यू बीन अ स्टैंड अलोन इंडिविजुअल टू बिल्ड इट? देखें, एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, देयर आर सम वेरी बेसिक इश्यूज व्हिच वी हैव बीन फेसिंग फॉर द लास्ट 40 इयर्स. और वो इश्यूज हमारे ऐसे हैं जो एक्सटर्नल हैं, इंटरनल नहीं है. अब ये इसमें बहुत समझाने में या लोगों के समझने में कि हमारी इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम में रही है या आज भी प्रॉब्लम में है, वो कुछ एक्सटर्नल पॉलिसीज की वजह से हो रहा है ये सब कुछ. इट्स नॉट अबाउट इंटरनली कि आप एज एन इंडस्ट्री कितने यूनिफाइड हैं या कितना ठीक काम कर रहे हैं. हाँ, हमारी कोताही कहाँ रही है ये मैं आपको बता देता हूँ. एज एन इंडस्ट्री हमारी कोताही मुझे जो फील होता है वो ये कि हम अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट करके फोकस नहीं कर सके और उसको एड्रेस नहीं कर सके. अगर हम यूनिफाइड होके अपने प्रॉब्लम्स को फोकस करके गवर्नमेंट की तरफ लेके जाते तो हो सकता है हमारी हालत आज इससे बहुत बेहतर होती, लेकिन चूंकि हम वो काम नहीं कर पाए हैं तो उसकी वजह से अब आप जिससे भी बात करें वो किसी ना किसी को ब्लेम कर रहा होता है. सो बेसिकली ऑल ओवर इट्स अ ब्लेम गेम कि आप प्रोड्यूसर के पास बैठेंगे तो वो सिनेमा वालों की बात करेगा कि जी सिनेमा वालों ने तबाह कर दिया सब कुछ, सिनेमा वालों के पास बैठेंगे तो वो कहेगा कि जी प्रोड्यूसरों ने तबाह कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटरों ने तबाह कर दिया, एक्टरों ने तबाह कर दिया. हालांकि मेरे हिसाब से किसी ने भी तबाह नहीं किया। आपको सिंस 80s ऐसा एक कंपटीशन मिल गया और वो इतना अनड्यू कंपटीशन था कि उसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री जिंदा नहीं रह सकती थी। और वही काम आपके साथ हुआ कि आप फाइनली 20 साल के बाद आपको वो इंडस्ट्री जो है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर दोबारा एक बार 2007 के अंदर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज ऐसा मारा जो बिल्कुल आपकी ख़त्म होती हुई इंडस्ट्री को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू हो गई, दोबारा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। 2007 से 2019 तक तो सिनेमा तो बनते ही चले गए और इस बार कमाल के सिनेमा भी बने। जो ग्रोथ पाकिस्तान इंडस्ट्री में हुई वो इट्स अमेजिंग, द काइंड ऑफ सिनेमाज विच हैव कम अप एंड द क्वालिटी ऑफ द सिनेमाज विच हैव कम अप। और 2013 से आपकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई और वो प्रोडक्शन बढ़ती ही चली गई। 2019 में आके उस पॉलिसी, उस इंसेंटिव, जो रास्ता आपने खोला था रीबिल्डिंग का, वो वजूहत की वजह से फिर बंद हो गया। सो अभी फिर उसके ऊपर वो एक तो बंद हुआ, ऊपर से कोरोना आ गया और ये जो पेंडेमिक आया और उसकी वजह से अब पूरी दुनिया का जो सिनेमा एक साल से बंद पड़ा हुआ है, इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस ऐसे आ गए हैं अब कि अगर अभी हम यूनिफाइड हो के इसको हमने एड्रेस नहीं किया गवर्नमेंट के साथ तो आगे जाके आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी और आपके लिए शायद बचना भी मुश्किल हो जाए। नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यू हैव दैट डिटेल्ड एक्सपीरियंस एज वेल, सीइंग हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट डाइड, हाउ इट्स बीन रेजरेक्टेड, एंड विद द पेंडेमिक कमिंग इन तो मतलब कि और भी टफ हो गया है। आप यूनिफाई की बात करते हैं तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हम यूनिफाई होके गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएं या खामोशी इख्तियार हो चुकी है? मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा एक अभी कहानी ज़रा डिफरेंट है। इंसेंटिव्स अपनी जगह हैं बट एट दिस मोमेंट आपको सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, आपको वो होप चाहिए जो 2007 से लेके 2019 तक आपके पास थी, जिसकी वजह से आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, चाहे वो आप फिल्मों में कर रहे थे, चाहे आप सिनेमा की ग्रोथ में कर रहे थे। और चूंकि आपका सिनेमा ग्रो हर साल 30-35% कर ही चले जा रहा था, उसकी वजह से एवरीबडी वाज एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इनटू दिस फील्ड। वो चीज रुक गई है अभी और उसके रुकने की वजह से इट इज वेरी नेसेसरी कि कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेट इंसेंटिव बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, फेयर इनफ। तो आप बोल रहे हैं कि एट द मोमेंट दिस एसोसिएशंस हैव टू कम फॉरवर्ड। अभी मैंने कल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिसर्च पढ़ी एंड दे सेज यू नो मोस्ट ऑफ द एसोसिएशंस एंड यूनियंस हैव डिसॉल्वड। वी हैव अ वेरी वेरी एक्टिव पीएफपी राइट नाउ व्हिच इज टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स, नई बॉडी भी बनी है। तो डू यू थिंक अगर हम पीएफपी के थ्रू चार्ज हो यूनिफाई हो करेंगे तो काम होगा? नहीं, बिल्कुल। पीएफपीए भी अभी एक्टिव है, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन भी एक्टिव है। दोनों आर द मेन पिलर्स के जिनको एक ने फिल्म बनानी है, एक ने फिल्म चलानी है, तो ऑटोमेटिकली दोनों दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी अपनी बात जाके गवर्नमेंट को समझाएं और गवर्नमेंट से एट दिस मोमेंट कोई ना कोई ऐसा काम करवाएं जिसकी वजह से आप यू रिमेन इन द प्लेइंग फील्ड। ओके, fair enough. So, let me tell you one thing also. That at this moment, yes. Wherever I have been, और जिन लोगों से मैं मिला हूँ या जिन को अप्रोच किया है गवर्नमेंट में, there is a focused agenda in government also. कि everybody has told me कि जी we have received directives from the Prime Minister कि हमने कोई ना कोई हल निकालना है फिल्म इंडस्ट्री का. So everybody is concerned to do something. Now the only question is कि जो भी हम करवाएं वो क्या इतना होगा कि हम दोबारा सरवाइव कर सकें या हम इस प्रॉब्लम से निकल सकें या हम उस ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अप्रोच, हमारी प्रेजेंटेशन, हम जो डिमांड कर रहे हैं उसके अंदर बहुत क्लैरिटी हो। ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। ये भी मैं मानता हूँ कि उसके अंदर भी क्लैरिटी और गवर्नमेंट साथ भी दे। इस वक्त पेंडेमिक का जो चल रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि जितनी मेरी नॉलेज है, सिनेमाज बंद भी हो चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स में है, पाकिस्तानी सिनेमा की जो ओरिजिनल फिल्में हैं उनकी इतनी विटेज नहीं होती है जो स्टैंड अलोन सपोर्ट कर सके इस मैकेनिज्म को राइट नाउ, बट हमारी फिल्में बन भी रही हैं एंड हमारे ईद का चक्कर चलता है। आप अग्री करते हैं कि ईद वाला माहौल इस तरह से चलना चाहिए या हमें कुछ और भी फिल्में बनाएं and we should be standalone surviving as industry, or are you okay with it as a distributor to go this far the way it's working out? राफे फ्री स्पीच के अंदर फिर बहुत प्रॉब्लम वही आ जाता है कि मैं अगर एक चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ and if the stats tell me कि over the years जो रिकवरी ईद के ऊपर किसी फिल्म की हो जाती है, चाहे आप नंबर 2 पे हो या नंबर 3 पे हो या नंबर 4 पे हो, वो आपको सर्टन टाइम के अंदर नहीं होती अगर आप बगैर फेस्टिवल हॉलीडेज के बाद आते हैं। सो ऑटोमेटिकली एवरीबडी वांट्स टू कम ऑन इट। यस, द डैमेज इज देयर। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये ओवर द इयर्स डेवलप्ड फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने बाद में जाके खुद एक बात को क्लियर कर लिया आपस में बैठ के कि जो फेस्टिविटीज़ हैं या जो डेट्स आती हैं, फेस्टिव डेट्स, उसके अंदर एक फिल्म से ज़्यादा बड़ी फिल्म को ना रिलीज़ किया जाए। और उसकी वजह थी कि वो क्यों ये कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि वो ये इस तरह की बात क्यों की उन्होंने भी जाके 2-2, 4-4 फिल्में क्यों नहीं लगाई। मतलब अगर उनके यहाँ कोई फेस्टिव ऐसी डेट आती है जिसमें लॉन्ग वीकेंड आ जाता है तो वो 4 फिल्में एक साथ क्यों नहीं लगाते। देखिए, एवरी इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय वन मूवी जो साल की सबसे बड़ी मूवी होती है। ठीक, वही मूवी के बारे में या उस मार्केट के बारे में वो जो नंबर्स क्रिएट करती है वो योर बिकम्स योर रेफरेंस। ठीक है, आप 750 फिल्मों की बात नहीं करते जब आप रेफरेंस करते हैं हॉलीवुड को। आप 1 या 2 फिल्मों की बात करते हैं, आप टाइटैनिक की बात करते हैं, आप एवाटार की बात करते हैं कि यार दे हैव डन 2.8 बिलियन डॉलर बिजनेस, दे बिकम द ड्राइविंग फोर्स। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखने जाएं तो 2013 से जब फिल्में शुरू हुई, 2013 में जब वार रिलीज हुई तो आपकी मार्केट 10 करोड़ रुपए की थी। एंड सडनली इन 2013 वार के रिलीज होने के बाद वही 10 करोड़ रुपए की मार्केट 23 करोड़ रुपए की हो गई। ठीक, वो 23 की इसलिए हुई क्योंकि एक पिक्चर ने अगर 23 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया तो आप घर बैठे आपने सोचना शुरू कर दिया कि यार ठीक है मेरी पिक्चर वार नहीं होगी लेकिन आधी तो होगी। अगर मैं उसका 50% भी करता हूं और उसका भी 40% मुझे मिलेगा तो भी मैं 12-13 करोड़ रुपए का अगर बिजनेस करता हूं और उसका 40 आता है तो मेरे 5-6 करोड़ रुपए की फिल्म बना सकता हूं। बिल्कुल ठीक। एंड दैट इज हाउ द इंसेंटिव बिकम्स। अगर साल के अंदर कोई भी फिल्म 25 करोड़, 30 करोड़ या 40 करोड़ की ना हो तो वेयर द इंसेंटिव विल कम फ्रॉम। द प्रॉब्लम इज कि जब ये चाहे वो इंडियन आपका इंडियन इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड, इंडियन ने भी हॉलीवुड से सीखा है कि 2 पिक्चरें नहीं लगानी। वो नहीं इसलिए नहीं लगानी क्योंकि एक पिक्चर को मैक्सिमाइज करना है टू क्रिएट दैट इंसेंटिव फॉर एवरी फिल्म मेकर। एक तो बड़ी फिल्म को कमाना जरूरी है, उसको बहुत बड़ा कमाना जरूरी है। तो अगर आप उसके लिए जगह नहीं छोड़ेंगे, अगर आप उसके साथ बहुत सारी फिल्में लगा देंगे तो जाहिर सी बात है उसका फर्स्ट वीक कॉम्प्रोमाइज होगा। एंड टुडे आज की दुनिया के अंदर द फर्स्ट वीक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अब फिल्म जो है वो एक सिनेमा में नहीं लगती शहर के, वो सारे सिनेमाओं में लगती है। सो आपका जो इनपुट होता है वो मैक्सिमम 50% आपका इनपुट जो है वो फर्स्ट वीक के अंदर आ जाता है। अगर आपकी पिक्चर में 10 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है तो उसको 5 करोड़ रुपए पहले वीक में करना जरूरी है। एंड दैट इज वेयर इट नीड्स टू मैक्सिमाइज ऑन द नंबर ऑफ शोज, क्योंकि उसकी हाइप बनी हुई होती है पब्लिक में उसकी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है, एंड एवरीबडी वांट्स टू सी इट बिकॉज नाउ द टिकट्स आर अवेलेबल, देयर आर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गो इन एवरी सिनेमा. सो हर आदमी अटेम्प्ट करता है कि मैं पहले वीक में जाके देखूं, एंड दैट इज व्हाई दोज नंबर्स हैव बिकम सो बिग इन द फर्स्ट वीक. पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप एक तो आप फिल्में बहुत कम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा जो बनाते हैं उनके पास भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है कि वो जिन हालात में वो फिल्में बना रहे हैं. उसके बाद इस बात के ऊपर डिबेट करना ये सही है या गलत है कि हमें फिल्में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, देखिए इवेंचुअली तो ये गलत है. लेकिन अभी अगर आप उनकी मजबूरी पूछें तो वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. So it's a very difficult thing to understand at this moment and to decide anything about it. कि ईद के ऊपर 6 फिल्में लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए. ठीक, लगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन under the circumstances अगर एक आदमी पैसे कमा सकता है ईद पे लगा के, अगर वो 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकता है जो बगैर ईद के उसको नहीं मिलेगा, तो फिर उसको रोकना भी गलत है. ठीक है, ये मैंने भी विटनेस किया है और देखा भी है कि फिल्म बन जाती है, फिल्म मेकर्स जम मार के अनाउंस कर देते हैं फिल्म के हमारी फिल्म रिलीज होनी चाहिए. अब उसको कोई रोक तो नहीं सकता है उसका, आई थिंक जब तक वो यूनिफाइड एसोसिएशन नहीं होगी. लेकिन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, इवन इफ सिनेमा ओनर, आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू लूज इफ मल्टीपल फिल्म्स आर कमिंग एट द सेम टाइम. इट्स मोर बिजनेस फॉर यू, आई बिलीव. तो यू वुड बी कंप्लीटली एग्रीड के साथ. डू अंडरस्टैंड द बिजनेस. देखें, हर बिजनेस का एक तरीकेकार होता है. ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रही या हम समझते नहीं हैं या हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आज मजबूरियां इतनी हैं पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनाने की कि एक हद तक ही आप उसको समझा सकते हैं या उसको फोर्स कर सकते हैं. हाँ, ये तो खैर बहुत आसान काम है कि आप जबरदस्ती करना शुरू कर दें. तो जब आप जबरदस्ती करना शुरू कर देंगे तो फिर इसकी फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी. फिर तो आप ब्लॉक करना शुरू कर देंगे कि यार सिनेमा वाले फिर डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे कौन सी फिल्म कब लगेगी, हम कौन सी फिल्म कब लगाएंगे. तो ये तो फिर वाइस वर्सा भी है ना. फिर फिल्म वाला भी कहेगा कि ठीक है जी, मैं किस सिनेमा में लगाऊंगा और किस में नहीं लगाऊंगा, वो उसका हक बन जाता है. सो इट्स अ नेवर एंडिंग इशू. आई पर्सनली फील कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर एंड creating a standard for it. बहुत से लोग अटेम्प्ट करेंगे ओवर द टाइम, बहुत से लोगों को फर्क भी पड़ेगा, कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो बहुत बड़ी फिल्में लगाते हैं या जिनकी फिल्में बहुत बड़ी हो जाती हैं या जिनकी पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा है. उनको यस फॉर द टाइम बीइंग अगले 5 साल 10 साल ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन इवेंचुअली ये बात आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आपको ये भी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये काम नहीं करो. फेस्टिव सीजन्स के अंदर जो आपकी मुल्क की सबसे बड़ी 2 डिमांडेड फिल्म्स हैं उनको लगाएं कि दे क्रिएट द नंबर्स विच विल बिकम एन इंसेंटिव फॉर एवरीबडी. अगर ज़ार ने 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, उसके बाद अगर दूसरी फिल्म आके 30 करोड़ ना करती तो इंसेंटिव कहां रहता. अगर हर साल 23 ही होता रहता, हर फिल्म जो है बड़ी फिल्म अगर 23 ही करोड़ करती रहती तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं हो रही. ग्रोथ तो आपको उस वक्त नजर आती है कि वार ने अगर 2013 के अंदर 23 करोड़ किया, फिर उसके बाद एक और फिल्म आई उसने 24 करोड़ किया, 25 करोड़ किया, फिर एक और आई उसने 30 की, फिर एक और आई उसने 40 किया. ठीक, वहां जाके आपको फील होता है कि यार आई एम इन अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और मुझे फिल्म बनानी चाहिए, मुझे भी इस प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए कि अगर मैंने चीज अच्छी बनाई तो मेरा भी बिजनेस होगा. अच्छा सर, लेकिन अब ये बात है कि चले मैं आपका कहना है कि लोग समझ जाएंगे होपफुली एक्सपीरियंस के साथ. वी हैव लॉट्स ऑफ ब्रॉडकास्टर्स हु बिकम फिल्म मेकर्स राइट नाउ, सो मे बी इट माइट टेक सम टाइम फॉर देम टू बिकम प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स एंड फिल्म रिलीजेस. अभी जो मैंने देखा है कि जो इंटरनेशनल चल रहा है ट्रेंड, दैट दे आर सेइंग दैट डिजिटल इज किंग. They're saying कि वो जो दबाव आया है कि हम लोग डिजिटल पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं और श्रिंक करेंगे 17-day विंडो पे, विल दैट आल्सो अप्लाई इन पाकिस्तान? डू यू थिंक यू सी दैट ट्रेंड कमिंग हियर एज वेल कि 17 दिन या कम विंडो चलेगा फिल्मों का, या हम अभी भी? राफे, पाकिस्तान में तो पिछले 40 साल से 24 घंटे में फिल्म आ जाती है। ठीक है, ठीक है। What difference will it make to us? आपकी 24 घंटे में केबल क्या नहीं चल रही होती, बताइए। आप कोई बड़ी फिल्म का नाम ले लीजिए। नहीं, सारी फिल्में 70 डेज विंडो की बात कर रहे हैं ना, वो सिविलाइज्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहाँ रेगुलेशंस हैं। इस मुल्क में रेगुलेशन ही कोई नहीं है सिवाय सिनेमा के। तो जिस मुल्क के अंदर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ेगा आप 17 दिन में करें या 70 दिन में करें? हमारे मुल्क के अंदर तो वो 24 घंटे में हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप मतलब कि आप बोल रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी द वे इट इज एंड वी कांट कंट्रोल। सिनेमा बनाना है, मेरा काम फिल्म बनाना है, मेरा काम रेगुलेट करना नहीं है। अगर मैं रेगुलेशन में आ जाऊंगा और मैं उसको रोकने में चले जाऊंगा तो फिर मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा। मैं पूरे पाकिस्तान में चीजों को पकड़ नहीं सकता। ये इसीलिए आप गवर्नमेंट बनाते हैं क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, वो हर जगह है। ये गवर्नमेंट इसीलिए आपके लिए काम करती है। अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही और गवर्नमेंट चीजों को रेगुलेट नहीं कर रही तो ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का काम नहीं है कि वो ये सब करे। बिल्कुल ठीक। इट्स अ वेरी बिग डिस्करेजमेंट कि भाई ये काम छोड़ दो, मत करो ये काम। बिल्कुल ठीक। तो फिर आप एडवाइस है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करवाना। अगर गवर्नमेंट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करवा रही तो गवर्नमेंट इज फेलिंग ऑन देयर पार्ट। वो बिजनेस कभी फ्लरिश ही नहीं कर सकता जिसके अंदर एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो। गवर्नमेंट अपना एनवायरनमेंट क्रिएट ना करके दे, ना उसके अंदर प्रोटेक्शन दे, तो वो बिजनेस तो कभी चल ही नहीं सकता। And do you think the government is doing its job? No. Government has never. Sir, आप मतलब कि एक हिस्सा रहे, आप एक हिस्सा रहे हैं एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री का। आपका नाम है, आप स्टेक होल्डर हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि I don't care because this is the government's job and I don't care they want to do, फिर तो इस तरह मतलब I don't think every मैं ये नहीं कह रहा कि I don't care। अच्छा ठीक है, मेरी तो सर्वाइवल है उसके ऊपर। मैं तो आज से नहीं 40 साल से शोर मचा रहा हूं। अच्छा, मैं कोई आज से नहीं मचा रहा, मैं तो जिस दिन से वीसीआर आया उस दिन से शोर मचा रहा हूं कि इसको रेगुलेट करो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जी बताएं। पाकिस्तान में अगर आपको सिनेमा बनाना हो जी तो आपके मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस ऑफ 1979 के अंदर 2 शिक्स हैं जी, और वो ये कहती हैं कि आपको पहले डीसी को अप्लाई करना पड़ेगा टू टेक एन एनओसी टू बिल्ड अ सिनेमा। ठीक है, जब आपको वो एनओसी मिलता है तो देन यू कैन बिल्ड दैट सिनेमा ऑन दैट प्लेस, कंसिडरिंग ऑल द बाय लॉज। आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। जब वो सिनेमा तैयार हो जाता है और पब्लिक एग्जीबिशन के लिए तैयार होता है तो फिर आपको दोबारा एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है डीसी को। ठीक है। और वो डीसी जो है वो आपको एक लाइसेंस देता है टू ऑपरेट दैट सिनेमा। ठीक है, जिसकी वजह से आप लॉ के एम्बिट में आते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए जो चीज मैं दिखाता हूं, क्या एक डीवीडी शॉप, क्या केबल वाला एग्जैक्टली वही चीज नहीं दिखा रहा? ऐसा ही दिखाता है। Where is its license? But they don't need a license. मैं आज अगर अपने मोहल्ले के अंदर जाके एक दुकान खोल लूं और उसके अंदर 2000 फिल्में रख दूं बेचने के लिए, मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है। ना मुझसे कोई आके पूछ सकता है कि भई आपने ये कैसे बेच रहे हैं, आप ये कैसे फिल्में दिखा रहे हैं आप। एंड दैट इज द डिफरेंस when you create such a big difference between the two, then automatically one will get hurt. Fair enough. मैं भी वही कंटेंट दिखा रहा हूँ, वो भी वही कंटेंट बेच रहा है, मैं भी पब्लिक को बेच रहा हूँ, वो भी पब्लिक को बेच रहा है। फर्क यह है वो विदाउट एनी रेगुलेशन काम कर रहा है, मैं हर रेगुलेशन के अंदर काम कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। आज भी आप देख लो कि अगर आपने इंडियन फिल्में बंद की हैं तो क्या डीवीडी पे वो फिल्में अवेलेबल नहीं है? हर फिल्म अवेलेबल, क्योंकि उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट जब कहती है कि जी हमने एक चीज बैन कर दी है तो वो उसके एम्बेट में नहीं आता। बिल्कुल सही। ये राफेल बिल्कुल ऐसी बात है कि एक बच्चा गाड़ी चला रहा था, उससे एक्सीडेंट हो गया। अब पुलिस वाला आके कह रहा है कि जी इस बच्चे के पास लाइसेंस ही नहीं है तो मैं इसको पकड़ूं कैसे, क्योंकि उसने लाइसेंस तो लिया ही नहीं कभी, वो तो बच्चा है। तो आपके यहां अगर हजारों की तादाद में जो डीवीडी शॉप्स हैं उनके साथ यही हो रहा है कि जी आप पकड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस क्रिएट्स दैट एम्बिट ऑफ लॉ। जब गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है, आपने अगर कपड़े की दुकान भी खोलनी है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। तो फिर बताइए कि इन हालात के अंदर फिल्मों का काम कैसे अच्छा होगा, आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा। और ये हमारी इंडस्ट्री को भी समझना बहुत जरूरी है और हमारी गवर्नमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है। आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज अगर कोई भी कंटेंट मेकर फिल्म बनाता है तो वो जब अपना पेपर बना रहा होता है वायबिलिटी का, तो उसके अंदर सिर्फ सिनेमा नहीं लिखता, वो लिखता है सिनेमा से हमें ये बिजनेस आएगा, फिर उसके बाद हम उसको डीवीडी पे रिलीज करेंगे तो वहां से हमें इतने पैसे मिलेंगे, फिर हम उसका म्यूजिक बेचेंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जरूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन आप वायबिलिटी डालते हैं उसकी। फिर आप उसके अंदर लिखते हैं कि हमें सैटेलाइट से इतने पैसे मिलेंगे, फिर हमें फ्री टीवी से इतने पैसे मिलेंगे, हमें डिजिटल से इतने पैसे मिलेंगे। आपके पास 6-7 हेड है आज दुनिया में। पाकिस्तान का मेकर जब फिल्म बनाता है तो उसके बाद दूसरा हेड नहीं है, वो पहले पे ही रुक जाता है कि भाई अगर सिनेमा ने दे दिया, सिनेमा में चल गई तो पैसे आ जाएंगे, वरना मैं तबाह हो गया, मेरे पैसे गए, मेरे पास कोई और चीज है ही नहीं बेचने को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक म्यूजिक कंपनी नहीं है, कोई एक डीवीडी कंपनी नहीं है। तो जब आप हर चीज को अनरेगुलेटेड रखेंगे तो लोग कमाएंगे कहां से? सर इससे ज़्यादा तो आपने ज़्यादा देखा है। आई मीन आई डू नो अ लॉट बट आई थिंक यू सीन मोर देन आई हैव टू अंडरस्टैंड के रेगुलेटेड बॉडीज सिस्टम्स नहीं हैं, बट देन अगेन दैट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन गवर्नमेंट को भी एसोसिएशंस या यूनियंस बहुत पुश करती हैं, जो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से नहीं होता है। वी वेरी वेरी लेजी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप 20 साल तो थे ही नहीं। नहीं सर, लेकिन अभी भी तो हम काफी अपने बारे में सोचते हैं ना। हम एज अ फिल्म मेकर या एज अ सिनेमा ओनर बारे में आप कैसे नहीं सोचेंगे? अगर एक आदमी मर रहा होगा वो अपने बारे में सोचेगा या आपके बारे में सोचेगा पहले? नहीं, मैं मानता हूं, आप तो मरते रहे हैं 1980 से। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जब तक आप एज अ यूनिट नहीं ज्वाइन होंगे तब तक आपकी ये पायरेसी चलेगी। एक बंदा नहीं बोल सकता कि मेरी फिल्म रिलीज ना हो। आई मीन यू सी, इफ आई वांट टू गो आउट एंड से कि थोड़ा जी ले, कैन नॉट बी पायरेटेड, आई एम जंपिंग आउट फॉर माय सेल्फ। बट इफ यू नॉट, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पायरेसी। आई एम सेइंग जनरली, आई एम स्पीकिंग अबाउट द होल सिस्टम। दुनिया में हर जगह है राफे, हर जगह है। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन को रोक नहीं रहा कोई, नाम उसको रुकवा रहे हैं। मैं लेजिटिमेट काम को रेगुलेट करने की बात कर रहा हूं, जिसको आपने अनलेजिटिमेट काम को आपने लेजिटिमेट बना दिया है। Absolutely. जब आप किसी डीवीडी शॉप में पाकिस्तान में जाते हैं ना, आपको ये फीलिंग नहीं होती कि मैं चोरी की फिल्म ले रहा हूं, क्योंकि 40 साल से आप जा रहे हैं और आपने ये सोचना शुरू कर दिया है एज अवाम कि यार अगर गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है, ये खुलेआम दुकान खोल के बेच रहा है तो ये तरीका सही होगा, तभी तो बेच रहा है वो। सही। मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं पायरेसी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। what I meant was having regulated bodies as well, लेकिन उस मेरे ख्याल से काफी लोग यूनाइट होकर काम करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग थोड़ा सा इंडिविजुअली सोचते हैं, इसलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, मैं आपसे just I respect your opinion. I just have one more question with you, which is that payment terms. आपकी जो पेमेंट टर्म्स होती है when it comes to between the exhibitor, distributor and producer, बहुत ज्यादा लैग आता है to the point that it gets a little bit spoiled and our independent producers suffer a lot. They're saying आपके बहुत ज्यादा high margins and high percentages हैं. Is there any mechanism to control in this future to make independent producers thrive? आपके बड़े बड़े ये फिल्म मेकर्स या बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स तो सर्वाइव कर लेंगे, but there's no margin for independent producers to make money off it. Do you think there's a chance in future to cut this down? आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं या पेमेंट टाइम की बात कर रहे हैं? परसेंटेजेस एंड पेमेंट दोनों की बात कर रहा हूं। क्या पेमेंट भी टाइम पे आपकी आती है हर जगह पे? परसेंटेज तो देखें, ऑलरेडी आपकी मैक्सिमम सिनेमा जो है आपको 50% दे रहे हैं। ठीक है, कुछ आपके ग्रुप्स हैं जो आपको 50 से कम दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कहाँ आ रहा है, असल प्रॉब्लम जो आ रहा है। असल प्रॉब्लम आ रहा है कि देयर इज अ 8% withholding tax which is being deducted at the source when cinemas pay the share, जिसको हमने अभी बहुत ज्यादा एड्रेस किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ कि इसको क्लियर करें, क्योंकि सिनेमा का कहीं नाम नहीं है withholding tax में। वो इंटरप्रिटेशन पे ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, हर टैक्स एडवाइजर जो है वो उसकी एक इंटरप्रिटेशन कर देता है और वो इंटरप्रिटेशन करके सिनेमा वाले को कहता है कि भाई आपका अपना पैसा तो कट नहीं रहा, आपने तो डिस्ट्रीब्यूटर का काटना है तो आप काट लें, नॉट रियलाइजिंग कि यार आपने वो भी पैसे काट लिए। जब डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे मिले उसके बाद उसने प्रोड्यूसर को पैसे दिए, वो प्रोड्यूसर को पैसे देने से पहले फिर उसका टैक्स काट रहा है, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गई। ये आपका वो मसला है जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और ये मेरा ख्याल में अगले 2-3 महीने में जब ये फिल्म पॉलिसी आएगी तो उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, या तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं हुआ तो ये बिल्कुल सही तरीका इसका अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे आज आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर आप जो, क्योंकि पेमेंट तो आती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, ठीक है, बिलिंग वो करता है, उसमें जो टैक्स कटता है वो पूरे अमाउंट पे नहीं कटता। Fair enough. वो 15% पे पड़ता है। अगर 8% withholding होता है तो उस अमाउंट के 15% पे होता है जो उसने कमाना है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने कमाना है। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो अगर आप भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर सिनेमा वाला अगर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दे और उसका 10 या 15% के ऊपर 8% काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, बट जब आप पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स काटते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसमें 85 to 90% पैसा तो प्रोड्यूसर का है, आपने उसका टैक्स काट लिया, जबकि पेमेंट उसको गई नहीं है, पेमेंट गई है डिस्ट्रीब्यूटर को। फिर जब चालान भरता है और चालान ट्रेजरी में जाता है उस अमाउंट का, तो वो जिसको आपने पेमेंट की होती है उसके नाम से चालान जाता है, तो चालान तो डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से गया, तो क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है। पैसे आप मेरे काट रहे हैं, क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, और फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर मुझे पैसे दे रहा है तो उस पर फिर डबल टैक्सेशन हो रही है। मैं वो पैसे दे चुका हूं, आप काट चुका है सिनेमा वाला, अब डिस्ट्रीब्यूटर फिर काट रहा है। सो देयर इज एन अनोमली इन इट which is being already taken care with the government and the government knows about it. ऐसा नहीं है कि अब गवर्नमेंट को पता नहीं, गवर्नमेंट को बिल्कुल पता है, they are addressing it also, क्या हम इसको ठीक कर देंगे। अच्छा, बस I'm just wrapping it up, sir, prices पे काफी शोर मचता है, टिकट की प्राइसेस पे महंगी हैं, लोअर डाउन होनी चाहिए कम से कम हमारी लोकल फिल्मों की। any control and sort of fluctuation coming on that from cinema owners and distributors? I don't think so, that is an issue, that has never been an issue. जो फिल्म चलती है, अभी एक ड्रामा चला था, फिल्म भी छोड़ दीजिए आप, एक ड्रामे को हमने एक शो में चलाया था और उस वक्त हमने ये सोचा कि हम इसका एक शो कर देंगे तो दैट विल बी इनफ। राफे उस रात हमने 9 शो किए हमने और 9 के 9 फुल थे। प्राइस इज नॉट अ फैक्टर। जिस चीज की डिमांड होती है उसकी प्राइस कोई फैक्टर नहीं होता उसका। आप एक खराब फिल्म बना के, मैं आपको कहता हूं मैं 100 रुपए में लगाता हूँ, आप मुझे ऑडियंस ला दो, वो 100 रुपए में कोई देखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी फिल्म के लिए मैं आपको कहता हूँ मैं 1000 रुपए लगाता हूँ, वो 1000 रुपए देने के लिए तैयार है। बात तो फिर हुई है कि जैसा कंटेंट आप, अगर जो कंटेंट आप दे रहे हैं पब्लिक के ऊपर भी आप वो, कोई सिनेमा वाला ऐसा रेट नहीं बनाएगा अपना या ऐसा रेट नहीं रखेगा जो पब्लिक डिमांड से बाहर हो। आज भी तो आपको किसी ने रोका हुआ नहीं है ना। आप 600 रुपए की टिकट या 800 रुपए की टिकट क्यों बेच रहे हैं? आप 2000 की टिकट बेचें, 5000 की बेचें, कौन मना कर रहा है आपको? किसी सिनेमा वाले को मना तो नहीं किया किसी ने, बट उसको मालूम है कि मेरे बायर के अंदर इतनी बाइंग पावर ही नहीं। आई हैव टू जस्टिफाई व्हाट आई एम आस्किंग फॉर, एंड इफ आई कैन जस्टिफाई इट एंड द पब्लिक इज रेडी टू पे इट, देन आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ डिबेट ऑन दिस कि जी टिकटें कम होनी चाहिए। Fair enough. नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, and on that note, I think I've taken a lot of bit of time and you answered a lot of it. I would like to thank you for taking our time for this and giving BTC a time. And I hope के pandemic जो है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो और हम cinemas वापस खोलें भी. We hope to see more cinemas opening up and more content coming as well. You are an active part of the industry fraternity as well, and we look forward to great things happening from your end. Once again, I would like to thank you and everyone watching as well. And please do keep in touch. अपना ख्याल भी रखिएगा. It was very nice talking to you. Thank you very much for calling me on the show. Much obliged.